हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म शेयर एलटीएस में। आज हम डिविडेंड को फोकस करते हुए 10 स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ स्टॉक्स और कितना उन्होंने जो है डिविडेंड पे किया जो फाइनेंशियल ईयर था और चर्चा करेंगे फटाफट। तो वीडियो थोड़ा अगर एक दो मिनट बड़ा बन जाए तो आप संकोच मत करा करिए, पूरा वीडियो देख लिया कीजिए, क्योंकि 10 स्टॉक के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो अगर एक स्टॉक ने एक मिनट या डेढ़ मिनट भी ले लिया तो भी 15-16 मिनट हो जाते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इसी के बीच में कम से कम छोटा वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो उसको खोलने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर ज़ीरोधा का लिंक है, क्लिक करेंगे आपका तुरंत जो है फटाफट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो पहला स्टॉक हम ले रहे हैं सी एस सी लिमिटेड। ये एक पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है और बंगाल बेस्ड कंपनी है। इसका जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 550 रुपये के आसपास। देखिए, साल का इनका जो है 854 रुपये का हाई गया था और 366 रुपये का लो गया था, उससे भीषण गिरावट आई थी। तो कहीं ना कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है 550 के आसपास। तो क्या होता है कि अगर हम डिविडेंड को फोकस करते हुए एक्युमुलेट करते हैं स्टॉक्स, हमें अगर सस्ते में मिले ये कंपनियाँ और नीचे के प्राइस पर मिले तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि हर गिरावट में आप खरीदते जाएं। तो उससे क्या होगा कि जितने सस्ते भाव में आप जितनी सारी क्वांटिटी पा जाएंगे, तो जब भी ये कंपनियां पर शेयर के हिसाब से आपको जो है डिविडेंड पे करती हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। देखिए, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 CESC हैज़ डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 200% ₹20 पर शेयर। उस हिसाब से अगर हम डिविडेंड ईल्ड निकालते हैं परसेंटेज वाइज, यानी कि रिटर्न हमें कितना मिला, 3.64% के हिसाब से डिविडेंड यील्ड मिला। देखिए, ये कंपनी हर साल जो है डिविडेंड पे करती है, 16 में पे किया, 17 में पे किया, 18, 19, 20 लगातार हर वर्ष जो है रेगुलर पे कर रही है। तो एक बढ़िया कंपनी है और डिविडेंड जो प्रेमी हैं वो इसको ज़रूर कंसिडर करें। CSC अगर हम देखते हैं तो इसकी जो इंट्रेंसिंग वैल्यू है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिंग वैल्यू, रिटर्न वर्सेज FD, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इट नॉट इन ओवरबॉट जोन, नो रेड फ्लैग्स, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7385 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, पावर जनरेशन की कंपनी। दूसरा स्टॉक हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने ट्राइडेंट लिमिटेड दूसरा स्टॉक चुना है जो कि डिविडेंड देने में दिल खोल के बांटती है। और अगर देखते हैं तो ये जो स्टॉक प्राइस है ये ₹6.70 पे ट्रेड हो रहा है, यानी आज तो मार्केट बंद है, शनिवार है। ये भी एक स्मॉल कैप है, 3,286 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम इसका जो डिविडेंड यील्ड निकाल के देखते हैं कि फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसने करीब 5.37% का जो है डिविडेंड यील्ड निकल के आया है, यानी कि 36 पैसे पर शेयर दिया था और ₹6.70 इसका स्टॉक प्राइस है। तो 5 तो समझिए कि आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिलते हैं, टैक्स वगैरह कटने के पश्चात मुझे लगता है कि 5.37% फिक्स डिपॉजिट के आसपास इसने अच्छा दिया। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं और क्या है, आप ज़रूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर बिगिनर्स करके एक वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें PE रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं, सारा कुछ बताया है। और देखिए, हर साल ये जो है 2019 में 4 दफ़ा दिया और 2020 में भी दे चुकी है। तीसरा स्टॉक हमने लिया है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो के बिजनेस के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी परिचित हैं, टू व्हीलर्स बनाने में अग्रणी है। 88,226 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और डिविडेंड भी इसने शानदार दिया, वो भी हम देखेंगे, और किसी प्रकार का इसमें इशू नहीं। जो प्राइस है वो ज़रूर जो है अपने फेयर प्राइस पे नहीं है, थोड़ा सा महंगा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको गिरावट मिलता है मान लीजिए तो ऐसे में आप एक्युमुलेट करना ना भूलें, डिविडेंड प्रेमी इसको जो है कंसिडर करें। तो ये देख लेते हैं इसने डिविडेंड कितना दिया है। तो बजाज ऑटो ने दिए हैं ₹120 पर शेयर के हिसाब से, जो कि डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 3.99, यानी कि 4% के हिसाब से। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS IT सॉफ्टवेयर की बढ़िया कंपनी है और इसकी जो मार्केट कैपिटल 855,356 करोड़, एक लार्ज कैपिटल की कंपनी है। और इसने भी जो है काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे किया है, इसमें भी देखिए काफ़ी गिरावट आई थी, अगर देखें 1600 के आसपास। देखिए, दिग्गज है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी हम देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दिया है ₹78 पर शेयर के हिसाब से और जो डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 3.42% के हिसाब से। तो अगर आप
और भी गिरावट मिले तो आप एक्युमुलेट करते जाइए। नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया है ITC लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस है 194 रुपीज़। FMCG की एक शानदार कंपनी, इसकी जो मार्केट कैपिटल है 2,37,738 की है आज की तारीख में, और अगर एक वर्ष में देखते हैं तो 134 का लो गया था, हाई गया था 270 का, तो कहीं ना कहीं अभी बीच में ट्रेड कर रहा है। और भी गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो इसने डिविडेंड पे किया है, बोनस डिविडेंड सब देती है। ITC ने जो लास्ट डिविडेंड पे किया है 10.15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और 194 की प्राइस पे जो डिविडेंड ईल्ड निकल के आ रहा 5.23%। अगला स्टॉक हमने लिया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC भी कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस, मतलब जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनको ये फाइनेंस करती है, और इसकी जो मार्केट कैपिटल 21,661 करोड़ की 80 रुपये के प्राइस पे जो है ट्रेड हो रहा है, और 21,661 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, एक मिड कैप कंपनी है। इसने जो डिविडेंड पे किया है आप देखिए, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज़ डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 95% अमाउंटिंग टू 9.50 रुपये पर शेयर, और इसका स्टॉक प्राइस है 80 रुपये, तो इसका यील्ड जो निकल के आता है, परसेंट जो निकल आता है 11.75, मतलब फिक्स डिपॉजिट से डबल, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जो लोग चाहें तो इसको कंसिडर करें डिविडेंड को फोकस करते हुए, और जब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो उसका तो आपको लाभ मिलेगा। अगला स्टॉक हमने लिया है REC रेक लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका जो स्टॉक प्राइस है 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये का है प्राइस वर्तमान, कितना अच्छा लग रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस FD ऑफकोर्स अच्छा देता है, FD से अच्छे रिटर्न्स भी हैं, डिविडेंड भी अच्छा देता है, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इट नॉट इन ओवर बॉट जोन, स्टॉक इज नॉट SM/GSM लिस्ट। अगर हम एक साल का इनका देखते हैं ऊपर नीचे, तो लो बनाया था 78 का और हाई गया था 156 का, तो कहीं ना कहीं हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक मिड कैप की कंपनी, 19,926 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस। अगर हम इसका डिविडेंड ईल्ड देखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 रेक हैज़ डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 110% अमाउंटिंग 11 रुपये पर शेयर, जो कि ईल्ड निकल के आ रहा है 10.98%। ये भी समझिए 11% इसने जो है डिविडेंड पे किया है, बढ़िया शानदार। और छोटी प्राइस के स्टॉक्स हैं, जितना ज़्यादा है आपके पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। अगला स्टॉक ONGC, आप सभी परिचित हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मार्केट कैपिटल इसकी 97,748, लार्ज कैप की कंपनी है, और इसका जो एक साल का हम हाई लो देख लेते हैं, 50 रुपये का लो बनाया था और हाई गया था 149 यानी 150 के आसपास, और कहीं ना कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है। इसका जो है हम डिविडेंड देख लेते हैं कितना पे किया है, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हैज़ डिक्लेयर एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 100%, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि वर्तमान प्राइस के हिसाब से 6.39% का जो है डिविडेंड ईल्ड मिल रहा है। अगला स्टॉक हमने लिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी से भी आप बखूबी परिचित होंगे, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग। देखिए जिसको स्टॉक प्राइस है, अगर हम एक साल का देखते हैं कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया, 71 का लो बनाया था और 156 का हाई था साल का, यानी आज की तारीख से, और 83,365 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, और जो इसने डिविडेंड पे किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 4.25 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है, जो कि डिविडेंड ईल्ड निकल के आता 88 रुपये के प्राइस पे 4.8%, बढ़िया है। अगर किसी ने 50 रुपये के भाव पे लिए होंगे बहुत सारे शेयर्स, तो सोचिए उनका डिविडेंड अलग ही ईल्ड निकल के आता है। अंतिम लास्ट और सबसे बेहतरीन कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड अगर एक साल में हम देखें तो 119 का लो बनाया था, 217 का हाई, वर्तमान जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 129 यानी 10 रुपये सिर्फ बढ़ा है। निफ्टी 50 में अगर हम देखते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, 89,252 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, और हर मामले में खरा है, मतलब जो लोग चाहें इसको ले सकते हैं, एक बढ़िया कंपनी है, बिजनेस में मोनोपोली है कोल इंडिया माइनिंग एंड कोल, और गवर्नमेंट की बढ़िया कंपनी है, हर मामले में खरी उतर रही है, और
इसने जो आपको डिविडेंड पे किया है, इन्होंने 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है, और जो इसका परसेंटेज निकल के आता है, डिविडेंड यील्ड है 9.28%। बता दूं कौन कौन से स्टॉक पे हमने बात किया है। CESC पहला, ट्राइडेंट दूसरा, बजाज ऑटो तीसरा, TCS चौथा, ITC पांचवा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन छठा, REC रेक सातवां, ONGC आठवां, IOC नवां, दसवां और अंतिम स्टॉक पर जो हमने चर्चा किया वो है कोल इंडिया। दोस्तों, ये 10 स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है, किसी का 4% है, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 11% है। अब आप सोचिए कि अगर इन कंपनियों में अगर आप डिविडेंड को फोकस करते हुए, अगर आप पैसिव इनकम को फोकस करते हुए, आपका इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि स्टॉक प्राइस बढ़े या घटे, आपको अगर अच्छी कंपनी है कोई, भरोसेमंद कंपनियां हैं कोई, गवर्नमेंट की मोस्टली अगर कंपनियां हैं कोई और डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो आप बिंदास उसमें हर गिरावट में भरते जाइए। जितने ज़्यादा आपके पास शेयर्स होंगे, उस हिसाब से आपको जो है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको जो डिविडेंड मिलता रहेगा। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो, कंपनियाँ जो अपने शेयर धारकों के साथ मुनाफा शेयर करती हैं, कुछ प्रतिशत हिस्सा, वही आपके सीधे सेविंग अकाउंट या जो भी आप खाता देते हैं उसमें आता है, ना कि डीमैट अकाउंट में, आपके सीधे खाते में आता है और आप चाहे उसको खर्च करें या जो भी करें। तो इन 10 कंपनियों में से जो भी कंपनी आपको अच्छा लगे वही पिक कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरे कहने पर सारी कंपनियाँ लें, हो सकता है आप अपनी स्टडी भी कीजिए, आप अपने वित्त सलाहकार से भी मशवरा कर सकते हैं। तो यहीं पे अपना वीडियो संपन्न करना चाहूँगा, आज ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। कैसा लगा वीडियो, आपको जो सुझाव उसको कमेंट बॉक्स में रखिएगा। धन्यवाद।